नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा का हाल दिखा बेहाल, टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज। नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश, शराबबंदी को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। संविधान दिवस पर कांग्रेस ने किया विचार गोष्ठी का आयोजन, कांग्रेस ने कहा बीजेपी संविधान के साथ कर रही है खिलवाड़। सीएम सोरेन के साथ चार और लोगों पर ईडी का शिकंजा, ईडी की अपील पर लुकआउट नोटिस हुआ जारी। राज्यपाल रमेश व्यास के बयान पर राजनीति हुई तेज, कांग्रेस और बीजेपी में हुआ पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर कहते सुना है कि हम तो काम करते हैं, काम करने के लिए जनता ने चुना है और बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन उनके सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्री मिशन 7 के तहत व्यवस्था सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में बिजली गुल होने पर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मरीजों को मोबाइल की रोशनी के सहारे रहना पड़ रहा है। शुक्रवार को बिजली गुल होने की वजह से करीब 15 मिनट तक वार्ड में अंधेरा रहा। इस दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर संजीव कुमार मोबाइल की रोशनी में इलाज करते रहे। मीडिया कर्मी जब पहुंचे तो डॉक्टर कमियों को छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते नजर आए। आज नशा मुक्ति दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2016 से लगातार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ झाला करना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे बारे में बोलते रहते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। शराबबंदी में तो बेहतरी तो होती चली जा रही है, मैंने हर बार और ज्यादा ही लोग शराब से मुक्ति पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कुछ है, लेकिन कुछ ही कुछ विपट करने वाला है रहता है, तो उसी का लिए अगर पूरे तौर पर किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बहुत हित में है, लोगों के हित में। बापू की बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या मतलब। संविधान दिवस के मौके पर आज कांग्रेस ने देश के हर जिले में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश मुख्यालय में भी रांची जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मौजूद कांग्रेस नेताओं ने संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस विचार गोष्ठी में मौजूदा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आनंदी ब्रह्म ने कहा कि जब केंद्र से बीजेपी सरकार आई है, तब से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी की रक्षा के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार समेत चार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने की सूचना सामने आई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी के अपील पर अभिषेक प्रसाद, विशाल चौधरी, जे जयपुरियार और निशीत केसरी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इन चारों लोगों पर देश छोड़ बाहर जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाया गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई गलत नहीं है, लेकिन ये सही तरीके से होनी चाहिए। भाई, किस रूप में देख रहे हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जब लगातार आप अगर क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो पूरे देश के अंदर जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां किस प्रकार से सरकारों को काम करने से रोका जाए, विकास की गाड़ी को अवरुद्ध किया जाए, ये उसी के कड़ी के रूप में हमको देखना चाहिए। अच्छी बात है, हम तो बार बार कहते हैं कानून अपना काम करे, जांच भी हो, लेकिन स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं। एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और ख़ास करके इसमें आज संविधान दिवस के अवसर पर आप इन सवालों को लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था और केंद्रीय एजेंसियों पर एक सवालिया निशान तो लगता है।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक कार्यक्रम में कहा कि झारखंड में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन विजन की कमी है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी मामले में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ताधारी दलों को राजनीति से परहेज क्यों है, राज्यपाल एक अभिभावक है और उनका कोई बयान सुझाव के रूप में लेना चाहिए। जमीन के ऊपर देखें, जमीन के नीचे देखें, जमीन के आजू देखें, बाजू देखें, जमीन के अंदर इतने मिनरल्स हैं, ऊपर में जंगल है, हरियाली है, चारों तरफ से संपन्न है, लेकिन सिर्फ एक की कमी है, विजन की। अगर विजन ठीक हो जाए, मैं कहता हूं ये देश, हमारे देश का ये सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। मुझे लगता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से उन्हें परहेज करना चाहिए। सवाल है, वाजिब है, लेकिन ये सवाल उनको उनसे करना चाहिए वो जिस विचारधारा की प्रतिबद्धता से कायम है, क्योंकि सबसे लंबे अरसे तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकारों ने सत्ता और शासन की व्यवस्था संभाली है। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि क्यों, कहां विजन में कमी रह गई, क्यों इस राज्य के गरीब जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हुआ, मोमेंटम झारखंड जैसा राजनीतिक संगठन होते हैं और राजनीति से प्रेरित और राजनीति शब्द से इतना परहेज क्यों है, और इस पॉलिटिकल सिस्टम में राज्यपाल राष्ट्रपति एक अभिभावक की भूमिका में होते हैं और अभिभावक कोई बात बोलता है तो उसमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, उसके मुंह को चुप कराने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। घर में अभिभावक होते हैं, अगर वो किसी बात पे हमको टोकते बोलते हैं तो उनकी बात का मर्म समझना चाहिए, उनकी पीड़ा समझनी चाहिए, अपने भीतर सुधार करना। झारखंड के राजधानी रांची से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक मॉडल ने अपनी छोटी बच्ची को लेकर रैंप पर वॉक किया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर महिला के लिए जोरदार तालियां बजाई। इस दौरान सभी लोगों ने महिला की खूब तारीफ भी की। वहीं बेटी के साथ रैंप पर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दो बच्चियों की मां अलीशा गौतम उराव ने जिस तरह अपनी बच्ची के साथ रैंप वॉक किया, निश्चित रूप से ये उनके अंदर के आत्मविश्वास को मजबूती के साथ दर्शाता है। जब आप मां बन जाते हैं तो, या फिर आप ये कहिए ना, आप एक जब औरत ही हैं तो आपको वो हर एक चीज़ को बैलेंस करना आपको पहले से ही मिला है, क्योंकि पूरा परिवार आप संभालते हैं, आप काम कर रहे हैं, आप वो संभाल रहे हैं, आप बच्चे को भी संभाल रहे हैं, साथ साथ आप घर का काम, बाहर का काम, सब चीज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, अभी मैंने जो मेरे से परिचित हैं, जिनको जिनका ये कहना है कि मेरे बच्चे हो गए बट मेरा सपना ये था तो मैं वो पूरा नहीं कर पाई। जब आप माँ बनती हैं तो आपके अंदर इतना ताकत रहता है कि आप बच्चे को भी संभाल सकते हैं, और अगर आप में इतनी सहन शक्ति है और आप खुद में ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है तो फिर कोई भी बाधा। नालंदा पुलिस का अमानवीय चेहरा लहरी थाना क्षेत्र के इलाके के अस्पताल चौराहे पर देखने को मिला, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में चार पुलिसकर्मी एक युवक को लात और घूंसों से मारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रम कल्याण मैदान में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसको लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के दौरान युवक अपने साइकिल को लेकर बीच में प्रवेश कर गया। इसी बात पर गुस्साए चार पुलिसकर्मियों ने युवक को रोककर बेरहमी से लाठी और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।